व्यू के साथ कॉर्नर पे खड़े हो जाए ताकि आप बोर ना हो। सर्दी है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। इधर आई थी अपने हॉस्पिटल, अब कर रही हूँ तो आप कंपनी का नाम देख लें। मैं तो तैयार हूँ, मैंने तो सर्कल तैयार में पाया, मेरा फिक्र कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज का जो व्लॉग लग रहा है उसमें डिफरेंट डेज के डिफरेंट टाइमिंग के हैं, कुछ मेरा जिम का है। आप पहले जाके मेरे जिम का क्लिप देखें। इसमें इतनी सर्दी है बाहर, ये देखें हवा कितनी चल रही है, विंड चल रही है और ये चारों तरफ जिम के स्नो के ढेर लगे हुए। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मैंने मिस नहीं किया और मैं आ गई। ये ना सोचें कि स्नो हो रही है या कोई काम है या कुछ भी है, तो मैं एक टिप आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, क्योंकि हमें वुमेन्स को बहुत ज्यादा काम होते हैं घर में, नाश्ते के इधर के उधर के, तो आप थोड़ा सा टाइम पहले निकाल लें। जैसे आप फजर के लिए उठती हैं या किसी भी काम के लिए सुबह में उठती हैं, उस वक्त अपने कैचअप कर लें और जिम को सुबह में कर लें। जो भी वर्कआउट आपने करना है अपना सुबह में कर लें, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हैं, तो एक घंटा अपने लिए जरूर निकालें। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि काफी, जब मैं फर्स्ट डे जिम आई थी तो मैंने वीडियो लगाई थी, तो उनमें किसी साहब ने या साहिबा ने कहा कि शो ऑफ, ऑलवेज शो ऑफ। नो, अगर आप लोग नहीं जानते तो हम सारी फैमिली पहले ये जिम वगैरह करती है। लाइबा का फिटनेस का वो है, इस वजह से उसने हमें फिट किया 5-6 साल पहले, कि ये लाइफ नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज जरूरी है, आपके जोड़ हिलते रहे, इसलिए नहीं है कि मुझे कोई मॉडल बनना है या वो होना है, इसलिए कि मैं वर्कआउट जिस दिन से शुरू किया आई एम फीलिंग अलॉट बेटर। मेरी स्वेलिंग भी उतर रही है, मेरा साफ खाने को दिल चाहता है, इसलिए ये जरूरी होता है। ये नहीं होता कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ जिम जाके, ऐसा कोई वो नहीं है। आप जिम में नहीं कर सकते, आप घर में कर लें। मैं पहले घर में करती थी लाइबा के साथ जब जिम नहीं था। वर्कआउट जिम में जरूरी नहीं, आप घर में भी कर सकते हैं। तो यही अपडेट थी आपके साथ, तो स्टे मोटिवेटेड इंशाल्लाह। जिम में ये क्लाइमर भी है, एक दिन फुट भी होकर गिरूंगी इसके ऊपर से चढ़ के। और ऑलवेज कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं। ये लोग व्यू के साथ कॉर्नर पे खड़े हो जाए ताकि आप बोर ना हो। थोड़ी सी मैंने ग्रोसरी की थी वॉलमार्ट पे, वो क्लिप्स आप देखिएगा अब इसके बाद। तो ये पूरे वीक में मैंने दो दो चार चार क्लिप लेती रही हूँ और संभालती रही हूँ आपके लिए, ताकि आप भी देख सकें। तो अब आप जाके ग्रोसरी का हॉल देखें। सो वी आर हियर इन वॉलमार्ट ग्रोसरीज के लिए। क्या मिला? मेथी दाना जी ना, ड्राई मेथी जिनू कहते हैं, जिनू कहते हैं मेथी दाना। या वो लेनी थी, वो है नहीं कि हुन कलौंजी किथे है, साबुत है कि घर अपने को नहीं? या होगी घर में, होगी तो बता, मुश्किल मिलेगी अगर होगी। ये ग्रोसरी जो पूरी कार्ट भरी है, और ये ग्रोसरी आई है, ये देखें ये देखें ये देखें, इसका टोटल क्या है, कट खाया करो। ग्रोसरी महंगाई की बता रही हूँ। अच्छा, मैंने कॉस्को पे तो कहते हैं कि आई है महंगी, पढ़ा ही नहीं जा रहा मैंने। इतनी हवा चल रही है फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा मुझे तो कुछ नहीं पता, $218। लेकिन यह है कि ट्रंक पूरा भर गया, और इसमें से अभी जो मैं लेने आई थी गरम मसाला, लेने के आए थे हम लोग गरम मसाला लेने आई थी, वो नहीं मिला, और बाकी सब कुछ ही मिल गया। कॉस्को की चीज़ें रहेंगी, वो कॉस्को अब कल जाएंगे। बहुत सर्दी है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, बहुत सर्दी है। आज फिर मैं आई हुई हूँ अपने हार्ट का चेकअप कराने के लिए, तो मैंने कहा आपको डिटेल बता दूँ यहाँ से थोड़ी सी। चलिए अस्सलाम वालेकुम, मैं इससे पहले एक क्लिप बना चुकी। इधर आई थी अपने हॉस्पिटल अपना हार्ट का, वो जो ट्रेडमिल के ऊपर उन्होंने करना था, वो इतनी फास्ट फास्ट हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का। तो अब वो वॉकिंग और अपहिल पे करके हमें हमारी वो लेते हैं हार्ट बीट, ECG टाइप है जो वॉकिंग और करते हुए लेते हैं, रनिंग करते हुए। तो वो मेरे डॉक्टर के पास जाएगी और नेक्स्ट वीक उसके साथ अपॉइंटमेंट है, फिर रिपोर्ट आएगी कि उसमें कुछ आया कि नहीं आया, क्या आया क्या नहीं आया, तो वो हमसे शेयर करेंगे। तो ज़ाहिर है फिर मैं उस वक्त आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये यहाँ की अपडेट है। अब यहाँ से मुझे जाना है ग्रॉसरी करने, वॉलमार्ट जाएंगे या वो एक और ग्रॉसरी स्टोर है वहाँ जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ आ जाएं। चले चले देखो कल कर रही, चल गिव मी, चल 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 इधर ला, चल इधर ला, मेरे पास लो, शाबाश, इतने चल ला, पुट पुट डाउन।
इधर ले आ, इधर ले आ, चलो मेरे पास। शाबाश, अच्छा बच्चा, इधर ला, इधर ला मुझे तो। ओए ओए आ जाओ, खेले खेले, बी केयरफुल, गोल हो जाएगा, अभी गोल हो जाएगा, अभी गोल हो जाएगा, अभी गोल। देख रहे हैं ये सारा, ये जो लाइबा ने दिया था, जाहिर लाइबा ने सारा ये पढ़ के दिया था, और इतना ये बारीक लिखा हुआ है कि मैं तो भूल भी गई इतनी प्रोडक्ट थी कि किसको किस टाइम पे यूज करना था, लेकिन ये मुझे याद था कि ये आपने लगाना है आफ्टर उसके फ्रिज के लिए और उसके लिए, तो ये मैं डैम्प हेयर में लगा रही हूँ। लेकिन अगर ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है, और ये सारी ट्रीटमेंट है, लीव इन कंडीशनर है, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इनको डिटेल में पढ़ के ना तो आपको बताऊंगी कि क्या मैं किस तरह से ये यूज़ कर रही हूँ सारी प्रोडक्ट ना। और अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट यूज़ की हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी होती हैं जो हमारी एज के हिसाब से, जो ये इतने फ्रिजी बाल और जो हम हीट ट्रीटमेंट, वैसे तो मैं इतनी करती नहीं हूँ, लेकिन अगर करें तो कौन सी अच्छी होती है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। केरेस्टास, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ तो आप कंपनी का नाम देख लें। इसके मुझे ये लाइबा ने पूरा दिया था, शैम्पू, कंडीशनर, लिविंग कंडीशनर और एंटी फ्रिज स्प्रे और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं इनको। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ 6 वीक्स के लिए, 6 to 8 वीक कहते हैं हर चीज़ को देना चाहिए यूज़ करने के लिए, अगर आपको इसका रिजल्ट देखना है। तो अगर आपको इसके मेरे रिजल्ट देखने हैं कि ये प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है, कि ये वर्थ भी करती है यूज़ करना कि नहीं, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी आफ्टर 8 वीक्स। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसके क्या डाउन साइज और अप साइज देखें, वो भी मुझे बताएं, और कौन सी बेस्ट इसमें प्रोडक्ट आपको लगी, और फिर मैं बाद में आपको अपना भी बताऊंगी कि मुझे क्या इसमें से बेटर लगा। सो सेम डे है जिस दिन मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी, बल्कि उसके बाद ही अब हम दोबारा लाइबा के घर जा रहे हैं और टोरंटो जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे वॉक करें, क्योंकि आज मैं जिम नहीं गई हूँ और मौसम कुछ बेहतर लग रहा है आज, इतनी ठंड नहीं लग रही, लेकिन वेदर का यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, तो देखेंगे वॉक करनी है बाहर की नहीं। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो सिर के हेलमेट पाया, मैंने फिक्र कोई नहीं। टोपी लाए अपनी कि नहीं? नहीं, इसके बगैर चलो। अच्छा, तो हो सकता है वॉक पे जाए तो आपको भी साथ लेके जाए। पूरा मेरा जिम हाईवे के साथ ही है, लेफ्ट 2-4 मिनट लगते हैं घर से, इजी है यहाँ से जाना बिल्कुल ना। वो तो तू इस तरह कह कि जाना पंजा मेरे, आज मैं नहीं गई ना तो इस वजह से वो लग रहा हाथला, हो तो एकदम हाथला मां करो तो हाथला ही जाना जिम।